नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। हरियाणा के करनाल में सेक्टर 12 स्थित गोल्डन मोमेंट बैंकेट हॉल में चेतना परिवार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों ने अपने अनुभव साझा किए और गीत संगीत के माध्यम से हम उम्र साथियों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में अंबाला के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर भाजपा नेत्री रोजी मलिक भी मौजूद रही, जिन्होंने ज्योत प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। अब दोबारा सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई जाएगी। रतनलाल कटारिया ने कार्यक्रम के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा, शैलजा व अन्य कोई भी कांग्रेसी हो, वह भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस चुनाव में बड़ी चुनौती के साथ हार देखने को मजबूर होंगे। इस मौके पर भाजपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष निर्मला बैरागी, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता सहित बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन के पारिवारिक सदस्य मौजूद रहे। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के कार्यक्रम में आज यहाँ पर आया हूँ। भारत सरकार भी भारतवर्ष के सीनियर सिटीजन्स के प्रति गंभीर है और मेरे पास जहाँ जल शक्ति का मंत्रालय है, वहीं पर सोशल जस्टिस विभाग भी मेरे पास है और उसमें हम सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं और उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। और आज की तारीख में भारतवर्ष के अंदर 10.5 करोड़ के लगभग सीनियर सिटीजन्स हैं और जिस तरह से भारत के अंदर आज उम्र भी बढ़ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश के अंदर आने वाले समय में जो है सीनियर सिटीजन्स की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उनकी देखभाल करना, उनके प्रति जो दिन प्रतिदिन जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जैसे आजकल सीनियर सिटीजन्स के जो है बच्चे नौकरी पे समय चले जाते हैं, बिजनेस पे समय चले जाते हैं, तब वो घर पर अकेले रहते हैं, उनको कई बातों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनको फिजिकल अटैक का भी शिकार बनाया जाता है और उन सब बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और हम उन सब चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है सर, जल के ऊपर सर नई योजनाएं क्या लेकर आ रहा है आपका मंत्रालय? देखिए, आज जल संकट केवल भारतवर्ष ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर छाया हुआ है और भारत की आबादी सारी दुनिया की 16% है, जबकि पानी हमारे पास केवल 4% है, उसमें से भी 3% खारा पानी है। 1% जो पानी बचता है उसमें 80% पानी खेती में चला जाता है, 7%
इंडस्ट्री में चला जाता है तो 130 करोड़ लोगों को पीने के लिए केवल मात्र हमारे पास 0.13% पानी बचता है। आज की तारीख में हम भारत की जो 130 करोड़ जनता है उसको केवल मात्र 40 लीटर वाटर प्रतिदिन प्रदान करा पा रहे हैं। हमारी आने वाले समय में ये स्कीम है कि हम प्रति व्यक्ति को 55 लीटर पानी जो है एक दिन के अंदर दें, और ये जो टोटल बरसात होती है जिसका हम 8% बचा पाते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि सरदार अटल बिहारी वाजपेयी का जो मिशन था इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर, उसके माध्यम से 30 नदियों को जोड़कर हम जो है जहां पर वाटर की अधिकता है और अधिकता वाले क्षेत्रों में से डेफिशिएंट क्षेत्र की तरफ पानी को ले जाएं। और इसके अतिरिक्त 79,000 करोड़ रुपया खर्च करके हम भारतवर्ष के अंदर 1,11,00,000 वाटर कंजर्वेशन के पॉइंट्स खड़ा कर रहे हैं, शेड खड़ा कर रहे हैं ताकि पानी को स्टोर किया जाए। कटारिया जी, हरियाणा के चुनाव हैं और जल्दी ही एक आधे दिन में चुनाव घोषित हो जाएंगे, बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए, कल या परसों जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 90 की 90 सीटों के ऊपर बड़ी जबरदस्त तैयारी की है। राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि अब की बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 1987 का इतिहास दोहराएगी, जब 1987 में भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के मिलाकर 85 MLA बने थे। तो अब की बार भी वही स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम के ऊपर जो है 85 सीटें जीत जाएगी और एक बड़ी जबरदस्त मैंडेट जो है हमारे ये CMCT है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस पारदर्शिता से प्रशासन दिया है, जिस प्रकार से प्रदेश की जनता की सेवा की है, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत बड़ा बहुमत मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी रोहतक आए थे और उन्होंने कहा कि नमो और मनोहर एक ही चीज है। हुड्डा शैलजा चुनाव आयोग में जो है आरोप लगा रहे हैं सरकार पर भर्ती। ऐसा है, शोले फिल्म का एक डायलॉग है, ठाकुर ये हाथ मेरे अजमाए हुए हैं, तो ये हुड्डा हो चाहे शैलजा हो, ये सारे हमने देखे हुए हैं। 100 मील में दाना। JBD बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like share and subscribe kare. dhanyawad.